एक तरफ पाकिस्तान के अली असद और दूसरी तरफ भारत के रवि दहिया। यहां मुकाबले की शुरुआत हो गई है। रवि दहिया रेड में आपके सामने और यहां शुरू में एक दाव लगाने की कोशिश, पैरों पर गए बहुत ही चपलता के साथ पाकिस्तान के पहलवान। तारीफ करनी होगी रवि की, जिस तरह का उन्होंने डिफेंस किया और अब रवि डोमिनेट कर रहे हैं इस मुकाबले को। ये सेमीफाइनल का मुकाबला 57 केजी फ्री स्टाइल वर्ग का, देखिए किस तरह से डेंजर पोजीशन में ला दिया है और यहां पर जीत करने का प्रयास। ओहो, इस बार आराम से बगल डूब किया, दो अंक लिए और मुझे लग रहा है हमें समाप्त कर देंगे क्या। बिल्कुल, उसकी पूरी संभावना है, एक पलट मारनी है। ये इंतजार कीजिए, पकड़ तो बन गई है। 10-2 यानी के अब 8 पॉइंट का फासला है। पाकिस्तानी रेसलर अशाद ने यहां पर डेंजर करने की पूरी जिद्दोजहद की है और निश्चित रूप से दो अंक रवि दहिया के ऊपर जीत की खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से भारतीय पहलवान ने वहां पर उस पोजीशन को क्लियर किया है। कड़ा मुकाबला दोनों के बीच, इसमें कोई शक नहीं। पकड़ बनाने की कोशिश, अच्छा एक पैर पर गए, लेग अटैक करने की कोशिश की, ये पकड़ बन गई है और इसके साथ ही जो दो पॉइंट्स चाहिए थे वो रवि को मिल गए। तो तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर रवि दहिया ने इस मुकाबले को 14-4 से जीत लिया। बर्मिंघम में जीतेगा हिंदुस्तान।